हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर रेखा। कैसे हो आप सब? आज मैंने साड़ी वेयर की है, थोड़ा सा मैं सजधजी भी हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि आज है तुलसी विवाह, देवउठनी ग्यारस। आई नो सबको ही, आप लोग भी करते होगे अपने अपने घर में देवउठनी ग्यारस और तुलसी विवाह। हिंदू कल्चर में सबको ही करते हैं और ये बहुत सिंपल एंड सोवर फंक्शन होता है, छोटा सा घर में करने के लिए। तो आज मैंने ये साड़ी वेयर की है, आप देख लो कैसी है। ये इस टाइप की है, देखिए पूरा ये बंदेश प्रिंट है, ये गोल्डन क्रीमीज कलर होता है ना, उसमें मैरून के बूटे बूटे हैं इसमें वर्क। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी शाम का टाइम है, शाम के अभी 6 बज रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, तुलसी का जो वो होता है ना गमला, उसपे व्हाइट मिट्टी रेड मिट्टी से वो रंगोली टाइप की कुछ बनाते हैं। मम्मी ने वो बना दी, थोड़ी सी हेल्प कर दी सासू माँ ने मेरी। और उसके बाद अब मैं चलिए थोड़ा सा सजा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। तुलसी माँ को चुनरी वगैरह सजाते हैं, सुहाग की पिटारी देते हैं हम लोग, और भी बहुत बड़े तरीके से भी होता है। मैं एक बार बीकानेर में थी नानोसा के घर में मेरी शादी से पहले, तो हमारे नेवर में थे, तो उन्होंने ना पूरा पंडित जी बुला के 2 दिन का व्रत रख के राती जोगा वगैरह चढ़ा के बहुत प्रॉपर तरीके से ना तुलसी विवाह किया था। जैसे हम अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं ना, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, भात नूतना होता है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से उन्होंने करके तुलसी विवाह कराया था। ये बहुत शुभ कार्य होता है, सबको करना चाहिए अपने अपने घर में, बोलते हैं इससे बहुत पुण्य मिलता है। तो देखो अभी हम तो एकदम सिंपल तरीके से घर पे करते हैं। माता रानी या नारायण ने कभी कुछ दिया तो बहुत अच्छे तरीके से करने की मेरी भी इच्छा है कि अच्छे तरीके से मैं करूं। और ना मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है, ठंड लग गई है मुझे, मेरे टॉन्सिल हो गए, देखिए फूला हुआ भी है, दिख रहा है ना। गलती मेरी है, मैं दही खा ली हूँ, 2 बार मैंने दही वाली आलू की सब्जी खाई है थर्सडे को, एक बार थर्सडे को और एक बार बीच में भी मैंने बना ली थी। दही बहुत खट्टा ठंडा हो गया था, वो खाया, तब से मेरे टॉन्सिल हो गए हैं। अब मैं कंटिन्यू गर्म पानी वगैरह पी रही हूँ, बट टाइम लगता है ना, कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो उसको ठीक होने में। मैं बात भी कर रही हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, सॉरी मंदिर में, और अपने भगवान जी के साथ पूजा करते हैं। और पूजा से मुझे एक बात और याद आई नारायण को लेके। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह जो होता है ना, वो विष्णु भगवान जी के साथ तो तुलसी माँ का विवाह हुआ था। मैंने काफी घरों में ये देखा है कि बहुत जन ना लड्डू गोपाल के साथ तुलसी माँ का विवाह कर देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे, मैंने पूछा था एक पंडित जी से, तो उन्होंने बोला लड्डू गोपाल तो बच्चे हैं, बाल सब रूप है, वो शादी लायक नहीं है। अगर आपको पूजा माने तुलसी विवाह करनी है तो किसी के पास अगर कृष्ण हो, शालिग्राम हो, नहीं तो नारायण की फोटो तो सबके घर में होती होती है, तो मेरे पास भी फोटो है नारायण की, तो मैं नारायण की फोटो के साथ तुलसी विवाह करती हूँ। आप लड्डू गोपाल के साथ भूल के भी तुलसी विवाह मत कीजिए, वो उल्टा असर हो जाएगा। लड्डू गोपाल हमारे बच्चे के रूप में, छोटे भाई के रूप में, सॉरी बड़े भाई के रूप में, या जैसे जैसे मैं लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती हूँ, बहुत पहले से जो मेरे बड़े वाले गोपाल है ना, वो हेमंत के होने के भी 4 साल पहले से मेरे पास है, माने मेरी मम्मी लोग खरीद के लेके आई थी उनको, फिर उनमें हमने जन्माष्टमी में ही हमारे घर आए थे वो, उसके बाद हमने प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कराई, सब कराई, इसलिए मैंने जब मम्मी यहाँ से गई बीकानेर, मैंने किसी को नहीं दिया, वो गोपाल मेरे पास है और मैं जिंदगी भर उन गोपाल को अपने साथ ही रखूंगी, बाद में मेरा डुगुन की सेवा करेगा। तो हमारे ब्लॉग को आज स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे रेगुलर ब्लॉग है, प्लीज आप मेरे ओल्ड वीडियोज को भी जाके देखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडियन ब्लॉगर रेखा यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मैं सामने आ जाऊंगी आपके। और प्लीज मुझे प्यार और सपोर्ट कीजिए, मुझे अभी और आगे तक बढ़ के जाना है। और आप सब मेरी ओल्ड वीडियोज को भी जाके सर्च करके देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो हो गई अब मेरी, 123 या 122 के पास मेरी वीडियोज हो चुकी है। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। आपको वीडियोस पसंद आए तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ना, मुझे अभी सब्सक्राइबर्स की फैमिली को इतना बड़ा करना है, है ना। तो आई नो आप मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे प्यार भी करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी देते हो, तो थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग हम इवनिंग व्लॉग अपना, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम तुलसी पूजा की तैयारियां कर लेते हैं, तुलसी पूजा स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बैठ जाती हूँ अपनी जगह पे, और मम्मी ने मांडना मांडा है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मांडना मांडा है। क्या गला बैठ गया है, टॉन्सिल हो गए हैं मुझे, फिर भी आते ही ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कैमरा को कहीं सेट कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके,
मैं यहाँ सारे सामान लेके मंदिर के सामने पूजा करने आ गई हूँ। यहाँ पे ये सफ़ेद तुलसी का जो पौधा का गमला है उसको सफ़ेद और लाल मिट्टी से मम्मी ने कर दी है डिज़ाइन, और मैं फूल, सुहाग, पिटारी, चुनरी, मिठाई सब कुछ लेके बैठी हूँ, और फटाफट से मैं सब सजा दूँगी। और मैंने जैसे आपको बताया मैं सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो लूँगी, फ़ोटो के साथ हम फेरे दिलवा देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्लेट, पीतल की प्लेट है मेरी, उसमें सब सामान धीरे धीरे करके सजा दे रही हूँ, ताकि क्या पूजा करूँ ना तब एक साथ सजा हुआ रहे तो अच्छा रहता है। और ये सब देखिए सुहाग पिटारी का सामान मैं लेके आई हूँ, ये सब सामान मैं मेरे बाद में सासू माँ को दे दूँगी। आप कोई भी सुहागन को दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है ये चीज़, तो मेरी मम्मी को ही हम लोग दे देते हैं। सबसे पहला तो देखिए हक सास का ही होता है, सास या ननंद का, बाद में बाहर वालों का होता है। तो बस सब कुछ अच्छे से सजा दे रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं कैसा सजाया। और हमारे यहाँ पे ना दीपक भी दिखाते हैं, तो मैं यहाँ पे बस दीपक की तैयारी कर रही हूँ। मैं मंदिर के आगे 5 दिए जलाती हूँ। तो देखिए इस छोटे से सिंपल तरीके से मैंने अपनी पूजा की है, आप सामने से देख लो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना आप सब। और मैं घी के 5 दिए जला रही हूँ मंडप के रूप में। बहुत जगह ना माने हम लोग के भी यहाँ पे गन्ने लगाते हैं, पर गन्ने मुझे मिले नहीं, तो मैं दिया से ही सजा दे रही हूँ। दीपक तो भगवान का प्रतीक होता है, प्रकाश, इसलिए दीपक से सजा रही हूँ धूप सुलना करके। फिर है ना हमारे यहाँ पे कथा सुनी जाती है तुलसी विवाह की, वो कथा सुन लूँगी। 5 गीत भी गाया जाता है, वो गीत गा लूँगी। मेरे यहाँ पे ना 12 महीने की किताब है मारवाड़ी की, तो हमारे यहाँ पे उसमें सारे 30 त्यौहार दिए हुए रहते हैं, तो हम लोग उसी से देख के आपको हम वो कहानी भी सुन लेते हैं। और भजन वजन जो होते हैं, गीत, आरतियाँ सब भगवान की है उसमें, सारे 30 त्यौहार के बारे में, तो वो भी बता देते हैं। और मैंने ये चूड़ा लिया था मम्मी के लिए, आप देख लो कैसा लग रहा है मुझे बताना। ये मैरून कलर में मिला, तो मैंने सब कुछ सजा दिया है। अब मैं कहानी सुन चुकी हूँ, नहीं मैं अभी सॉरी यहाँ पे प्रार्थना कर रही हूँ। और ये वाली किताब है देखिए, 12 महीने का त्यौहार की इसमें लिखा हुआ है। अब इस त्यौहार में पहले मैं फेरे दिलवा दे रही हूँ भगवान जी के साथ, उसके बाद कहानी और वो सब करके भजन वजन करके बस ये सिंपल सी मेरी पूजा हो गई। फ्रेंड्स आप सब ने कैसे की मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज फलियार करते हम लोग एकादशी के दिन, तो मैं उबले हुए आलू की सब्ज़ी और कट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बनाऊंगी। ये सिंपल सब्ज़ी होती है। सबसे पहले मैंने गरम रिफाइंड ऑयल लेके उसको गरम कर लिया, उसमें हींग जीरे का छोकन मार के कटे हुए टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक डाल दिए। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें सेंधा नमक और धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। उसको भी थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जब मसाला तेल छोड़ देगा तब मैं उसमें पानी ऐड करूंगी। उसको भी उकालने के बाद मैं बॉयल आलू उसमें ऐड कर लूंगी, और उसके बाद 5 से 7 मिनट तक हमें और सिझा लेना है, बस हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये इतनी सिंपल सब्ज़ी होती है लेकिन ये खाने में बहुत यम्मी लगती है, और मेरे घर में तो ये सबकी फेवरेट है। उसके बाद मैं पकौड़ियाँ कैसे बनाती हूँ आप वो भी देख लीजिए, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में भी। आटा गूंद रही हूँ, और मैंने कट्टू का आटा यूज़ कर रही हूँ, और मेरा मम्मी का व्रत है, पर ये वाली पकौड़ियाँ ना विजय को और डुबू को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं 2 पैकेट आटा गूंद रही हूँ। जब पानी बॉयल हो जाएगा तब मैं ये आलू डाल दूंगी, और ये आलू पकौड़ी। तो बस ये आटा फटाफट से गूंथा जाता है और तेल गरम हो गया है, मैं फटाफट से पकौड़ियाँ डालती जा रही हूँ और निकालती जा रही हूँ, और बहुत सारी बनानी है तो जल्दी जल्दी से कर ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझे भी भूख लग जाती है ना, रात के 9 बजने वाले हैं, 8:30 के 9 बज गए हैं वो सब चीज़ करते करते। और आप सब देख लीजिए कैसे बनती है, क्या होती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और किसने किसने क्या क्या बनाया वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सबके कमेंट पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। तो फाइनली ये देखिए ये मेरा आज का फलियार बन के रेडी हो चुका है, आप सब भी खा लीजिए, और मैं और मम्मी भी बैठ के फिर खाने बैठ रहे हैं, तो मैं और मम्मी भी यहाँ बैठ गए हैं, और गरम गरम है पकौड़ियाँ, तो थोड़ा वेट करके फोड़ के हम लोग भी खा रहे हैं, आप सब भी खा लीजिए, और चलिए आगे वीडियो देखिए। फिर सब कंप्लीट हो गया है और मैं थक गई हूँ बुरी तरीके से, आप देख रहे होंगे, विजय का वेट कर रही हूँ मैं कि अच्छी लगी आप सबको मुझे बताना। मुझे बालों को अपने खोलना बहुत पसंद है, बट मेरे बाल कर लिए हैं तो मैं खोल नहीं सकती, इतनी देर आपने देखा बंधे हुए थे, अब मैं जस्ट रूम में आई हूँ तो मैंने कहा चलो हाफ क्लेचर लगा के हाफ में खोल लेती हूँ। और काफ़ी जन ने सोच रहे होंगे कि दीदी आपका इतने दिन से व्लॉग नहीं आया, काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे पूछा भी कि रेखा आप कहाँ पे हो, आपका व्लॉग नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं फ्रेंड्स क्या होता है ना, जो माने हाउसवाइफ हैं वो ये फीलिंग समझती होगी कि दिवाली के टाइम पे हम लोग इतना ज़्यादा माने काम का प्रेशर रहता है,
मुझे भी रहता है, मेरे सिस्टर्स को भी रहता है, फ्रेंड्स ग्रुप में भी रहता है, सबको। और कंटिन्यू माने ये साफ वो साफ वो साफ, सोफा मेरे ये ना ये वाले शोल्डर पूरे, ये शोल्डर पूरे पेन होने लग गए थे। माने एक मुझे रेस्ट की जरूरत थी, काफी दिनों से मेरी वीडियोस के लिए मैंने गैप लिया था। ये वीक में मैं फुल रेस्ट की हूँ, एकदम जम के रेस्ट करने वाला होता है ना जिसको, उसका मैंने फुल रेस्ट किया है। आराम से काम वाम करके थोड़ा रेस्ट कर लेती थी, फिर उठती थी, फिर रेस्ट कर लेती थी। तो एक बीच बीच में ऐसा गैप की बहुत जरूरत होती है। और देखिए कांच की चूड़िया ना मैंने दिवाली से जो पहनी थी अभी तक मैं पहन के रखी हूँ, खोली नहीं है मैंने। और ये ज्वेलरी कैसी लग रही आप सब बताना मुझे। ये विजय ने अमेजोन से मंगाया है। देखिए इसमें शिव जी की त्रिशूल है, रुद्राक्ष नीचे, और ये देखिए इयर रिंग्स। गाइस पहले मैं कहता हूँ कि इससे आप कोरोना को हवा दो एकदम। अच्छा, हम लोग कोरोना पे जीतेंगे। हाँ ना, जीत चुके हैं एक्चुअली। हाँ। में वैक्सीन आने ही वाली है अब मार्केट में, है ना। अब आरएफ के पापा आए हैं तो फ्रेंड्स विजय ऑफिस से आए, उनको हैंड सैनिटाइज कर दो, उसके बाद वो फ्रेश होके आप सबसे बात करेंगे। गाइस तो ये देखिए मैं आपके सामने साबिगन सॉफ्ट, ये बुलेट सॉफ्ट, अब ये फोर बोटल्स में आपके सामने लाया हूँ। तो टोटली इस सेट में हमारी फोर गन्स भी हो जाती है, फोर बोटल्स भी हो जाती है, और वे बुलेट्स भी ज्यादा हो जाती है, जिसको हम डाउट भी कह सकते हैं। तो इस गन में अब तक कहते थे कि इसमें कोई भी बुलेट से ट्रिगर कर सकते हैं, पर अब कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ऐसे एक किया हुआ रहता है, यहाँ पे पहले एक बुलेट डालो फिर दूसरी बुलेट डालो, तो कैसे से ट्रिगर करते हैं, पर मैं ऐसे करके कर देता हूँ। तो दोनों साइड पर ऐसे करके लाते हैं, उनमें हम बुलेट भर देंगे, बुलेट्स लिखने का गैप आ जाता है इसमें। तो गाइस ये हो गई है हमारी एक बुलेट। तो इसको देखिए यहाँ पे आपको एक होल दिखवाओगा, दिखवाना यहाँ पे एक होल हमको मिल जाता है। देखिए मैं उंगली डालवाओ हो जाता है। तो बुलेट को ये नहीं कि खाली ऐसे रखेंगे तो चल जाएगी, इसको ऐसे करके इस होल में फिट कर दे रहा है। और ये देखिए अगर आप लोगों को पहले में शूट करके तो ये देखिए गाइस इसके पीछे पे मिल जाता है, इससे हमारे गन पपाई मोड पे हो जाती है। तो गाइस ये हमारे कॉक गन, मैंने बुलेट भर लिया, इसको ऐसे चला रहा है। तो ये सेट ना हमने अमेजोन से लिया ना विजय। हाँ अमेजोन से लिया, अमेजोन से लिया था, दिवाली से पहले ही आ गया था। 1400 में हमने पूरा सेट बाय किया जो हमने आपको अभी अभी दिखाया। आजकल के बच्चे देख लो माँ से ज्यादा सब कुछ पता रहता है। अमेजोन में देख के पसंद किया कि पापा मुझे यही वाली चाहिए, तो डुगू की बात विजय कैसे मना कर सकते हैं, जो डुगू बोलता है वही विजय कर देते हैं। हाँ। जो अच्छी होती है बात मानने लायक होती है, सारी बातें नहीं मानते, जो उसके भले के लिए हो, उसकी माने अच्छी हो। इसका रिजल्ट 2 साल से अच्छा हो रहा है तब इसलिए हमने दिला दिया इसको। और आप भी, आप सबको भी अगर पसंद है तो आप अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हो। अब इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ये नहीं कि 1400 का गन्ना है तो टूट जाएगा, ये देखिए। तो गाइस आपको इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, जल्दी है, प्लास्टिक बॉडी बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहो तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। ऐसे कब के पवाई मूड पे कपने में एकदम निकल जाता है, थोड़ा सा वापस दम आ भी जाता है डुगू का, आ जाता है। तो चलिए आज बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आप सबसे हो गई। और अभी है मेरा बर्थडे गिफ्ट। हाँ बेटा आपको बर्थडे गिफ्ट, और अभी गिफ्ट्स बाकी है आपके। हाँ, गिफ्ट बाकी है। तो फ्रेंड्स चलिए बहुत सारी प्यारी प्यारी आपसे अच्छी अच्छी बातें हो गई, बहुत दिनों बाद आप सबसे बात करके हम सबको बहुत अच्छा लगा। अरब अच्छा लगा ना फैमिली से मिलके, हमारी डिस्क्रिप्शन वाली बात बता दो। बताई तो अभी नहीं बताई, अभी तो बता दिया मैंने कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आप सबको अपने बच्चों के लिए बाय करनी है तो आप जरूर अमेजोन से बाय कर लीजिएगा, वहाँ डिस्काउंट भी मिलता है और काफी अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं अमेजोन में, है ना आरिफ। हाँ ये वाली जो बेडशीट है ना, ये भी हमने अमेजोन से ली थी ना। हाँ अमेजोन से ली थी, पर टीवी शो वाले, अमेजोन से नहीं, नाप्तोल। हाँ ये शायद नाप्तोल से ली थी, 5 का सेट लिया था इसने,
ये वाला 2 साल पहले दिवाली पे ली थी मैंने, डॉल्फिन की है, डॉल्फिन की बेडशीट है। थोड़ा रूम अब मैची हो गया, लिया था पप्पीज का और एक लिया था पांडास का। हाँ, और एक फ्लावर की भी थी और एक बर्ड्स की थी, 5 का सेट आया था इसमें। तो थोड़ा रूम मैशी हो रहा है तो माइंड मत कीजिएगा, अब रात के 11 बज रहे हैं तो रूम थोड़ा मैशी होगा। मैं भी बस चेंज करके अब सोऊंगी, थक गए हम लोग सब कोई। और अगेन हैप्पी दिवाली आप सबको, दिवाली अब जा चुकी है, छठ पूजा भी जा चुकी है, तुलसी विवाह भी हो गया है, अब आने वाला है एडवांस 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 बर्थडे से भी। हाँ नहीं नहीं, पहले आरफ का बर्थडे आएगा, उसके बाद आएगा मैरी क्रिसमस और न्यू ईयर हमारा। हाँ, दूसरा न्यू ईयर यूट्यूब पे हमारा सेकंड न्यू ईयर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 2021। और स्कूटी के बैक सीट पे बैठ के जाने में मजा आता है हम लोग। और फ्रेंड्स पता है आपको, मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है मम्मी का, देखिए मम्मी दिखाना यहाँ से, ये मम्मी के 2 दांत निकले हैं, स्टिच आई है मम्मी को, तो पेन हो रहा है, मम्मी का चेहरा ही झड़ गया, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अभी भी, कि आराम है, आराम है पहले आराम है। हम दादी का पोता आ गया, प्यारा प्यारा पोता, प्यारा ये बहुत शाना है, छोटा है ना, सबसे छोटा है। फ्रेंड्स अभी नाइट हो गई है, विजय और आरव अभी एक राउंड खेलेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये दोनों कैसे राउंड खेलते हैं। पापा और बेटा मिलके पबजी खेलते हो क्या आप लोग? पबजी नहीं, पबजी तो बैन हो गया। हम लोग फबी फैब खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फबी फैब। आरव से पूछ लो आप, आरव मेरे से बहुत स्मार्ट है, हर चीज के खटर खटर नाम वाम बता देता है। मैं पबजी खेलता था। चलो आप देखो इन लोग की फाइट देखो।